अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी 4:45 हो रहे हैं एंड फाइनली हम अपने घर को पहुँच गए। यहाँ का भी लाइट ऑन करते हैं। ये तो लॉक है, हो गया। फाइनली चलिए सब लाइट फैन सब ऑन करो। चलिए सारा रूम वगैरह खोलते हैं। फाइनली अपने घर में 2 दिन के बाद। बाबा गेट ही नहीं खोल रहा था, आधा घंटे से हम लोग गेट खोल रहे, परेशान हो गए। लास्ट में अभी गेट खोला, अभी कुछ नहीं करना है, टाइम हो रहा है, देखो 5:15 करो, मतलब 5:05 हो रहे होंगे। अभी कुछ नहीं करना है, चेंज करूँगी एंड सो जाऊँगी। मैं अभी मैं सोची थी कि बाबू को स्कूल आज भेजूँगी, बट स्कूल जो है जाने के लिए अभी सोना वोना नहीं पड़ेगा, अभी से स्टार्ट हो जाना होगा। तो अभी किसी भी इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अभी से अभी स्कूल हो, अभी इसको स्कूल भेज दूँ। इसको रास्ता में वो वेटिंग वगैरह हुआ था, तबीयत भी ठीक नहीं है, कल से स्कूल जाएगा, आज रेस्ट करवा देती हूँ। चलो मिलती हूँ सुबह में सो के उठने के बाद, थोड़ी कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद। मैंने टब में थोड़ा सा गर्म पानी भर लिया है, पैरों की तो ऐसी हालत हो रखी है सब की। मेरे तो पैर में वैसे भी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे उठ नहीं रहा है, पूरा हार्ड हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आउच, बहुत गर्म है बेटा, ठंडा पानी देना बेटा, बहुत गर्म पानी। सबसे पहले गर्म पानी में मैं थोड़ी देर पैर रखूंगी ताकि हल्का सा रिलैक्स हो, हल्का हो, क्योंकि उठ ही नहीं रहा, पैर ऐसा हार्ड हो गया, जाम हो गया। एंड सुबह हो चुकी है, सुबह नहीं आफ्टरनून हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी हो रहा है। नहीं आप, आपको भी करना है बेटा, अभी थोड़ा सा। सबके पैरों में ऐसे छाले पड़े, मैं तो ये सोचती हूँ चल के जाते हैं, हम तो चल के नहीं गए थे, वहाँ पे थोड़ा चलना पड़ा था। सेकेंड डे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, फर्स्ट डे तो ईजी था, सेकेंड डे देखते हुए बहुत चलना पड़ा था। एंड वहाँ अक्षतीनाथ में भी बहुत चलना पड़ा, जिस वजह से पैरों में जो छाले पड़े हैं ऐसे, मतलब उठ ही नहीं रहा पैर। इधर तो बेटा मैं तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, लेकिन बेचारा हस्बैंड आए और थोड़ी देर 2 घंटे रेस्ट किए एंड फिर ऑफिस चले गए वो। चलिए सबसे पहले तो थोड़ा सा पैर को शेक लेती हूँ। जो लोग पैदल जाते हैं, पता है मैं बचपन से, मेरे घर में ये मतलब नियम ही था, सारे लोग पूरी फैमिली सावन मंथ में, और ये बचपन से मतलब हम लोग छोटे छोटे से बड़े होते तक, शादी तक मैंने देखा, मम्मी पापा दादा दादी बाबा चाचा चाची जितने भी लोग हैं, सारे लोग जोड़े में सावन में जाते ही थे देवघर एंड पैदल। कहाँ कहाँ से जल उठाते थे, तो बिहार से वो कौन सा एक जगह है, सुल्तानगंज से जल उठा के एंड फिर देवघर पैदल चल के जाते थे, 2-3 दिन लगते थे वो लोग। बाप रे, वो लोग तो मतलब सैल्यूट करती, मैं कैसे चल लेते थे, अब तो मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जाता, हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए पहले पैरों को थोड़ा सेक लेती हूँ, बाद बाकी का काम करूँगी। अभी आज से तो फिर ब्लैक टू नॉर्मल रूटीन में आना है। गर्म पानी से पैर सेकने में इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, जब बहुत पेन रहता है ना पैर में, तो गर्म पानी में पैर डालने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पैरों की गंदगी देखें, कितना गंदा था पैर। मेरा टब मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने बाल्टी में ही अपना पैर को थोड़ा सा सेक रही हूँ। देखो काला पानी हो गया, ब्लैक, इतनी गंदगी थी पैर में। तो सारा सामान इस तरीके से फैला हुआ, ये सारा कुछ मैं वहीं से लेकर आई हूँ। सबसे पहले ये दिखाती हूँ, ये वाला मग जो है ये मैं देवघर से लेके आई हूँ, 2 महीने से, एक दो महीने से, 1.5 महीने से मेरा मग टूट गया था, तो मैं कप में चाय पीना स्टार्ट कर दी थी। मुझे मग में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरा कहाँ कहाँ ढूंढी, कहीं पे भी मुझे मेरा मन लायक मग नहीं मिला, फाइनली मुझे देवघर में मग मिला है। तो ये मैं वहाँ से ख़रीद के लाई हूँ, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे
कूलर टाइप का है, कूलर वाला होता है ना मिट्टी वाला, तो ऐसा ही है लेकिन कप नहीं है, मग है। एंड इसके साथ यहाँ पे मैं गर्मा गर्म चाय चढ़ा दी हूँ, फटाफट से ये बनता है, फिर एक कप चाय पीऊँगी, रिलैक्स करूँगी, देन उसके बाद बाकी का काम होगा। तो पहले तो मैं ये लाई हूँ। इसके अलावा जो है ये वाला यहाँ पे भी मिलता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, ये देखो इस तरीके का। और जो टीवी यूनिट है ना वहाँ पे मैं सजाऊंगी, तो इस तरीके से ये मुझे 100 का मैंने 4 लिया, नहीं सॉरी 5 लिया है शायद, 100 रुपये में 5 लिया है। एंड यहाँ पे 70 रुपये में एक देता है, तो मुझे काफ़ी सस्ता लगा देवघर, मुझे काफ़ी सस्ता लगा देवघर में, कुछ भी मुझे इस तरीके का महंगा नहीं लगा है, मतलब ठीक ठाक ही लगा है इस तरीके का। तो ये वाला लिया है, ये देखिए, थोड़ा सा मैं सजाऊंगी तब अच्छे से दिखाऊंगी। एक और है, 5 हुआ ना, तो 100 रुपये का 5 लिया है, तो 100 का 5 मुझे काफ़ी सस्ता लगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रसाद वगैरह है, ये भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद है। एंड ये वाला बासुकीनाथ धाम से मैंने अचार लिया, यहाँ वहाँ पे अचार भी बहुत सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे अचार तो 350-400 रुपये किलो मिलता है ना यहाँ पे, एंड वहाँ पे 200 रुपये किलो था, इसलिए मैंने वहाँ से आधा किलो अचार भी लिया है। आज तो मैं गई ही नहीं स्कूल वगैरह, कहीं पे भी नहीं गई, ना स्कूल गई जो मैं किसी को प्रसाद बांटूं। और मैं जब हस्बैंड ऑफिस निकल रहे थे तो मैं सो रही थी, मतलब मैं जगी थी, लेकिन कुछ इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उठ के पैक करके अच्छे से अलग अलग करके मैं प्रसाद दूं। मैं बोली कल दे दूंगी, आज नहीं हो पा रहा है, बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, तो बस सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, सारा कुछ मैं कल करूँगी, जिसको जिसको प्रसाद देना है सब लोगों को। चलिए फटाफट से, पहले तो मैं चाय पीती हूँ, चाय नहीं पीने से मेरा दिन की शुरुआत वहाँ पे, कितना भी कहीं पे भी जाओ हर जगह चाय मिलता है, कितना भी चाय पी लो, अपने घर का अपने हाथ का अपने मग में उसकी बात ही अलग होती है। हाय मेरी चाय ले गिर भी गई, चलिए इसको अच्छे से हम पकाते हैं, उबालते हैं, तब जा करके इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय, अलग ही लेवल का सुकून होता है यार। जो जिन जिन लोगों का चाय फेवरेट है, चाय के बिना नहीं रह सकते, वो लोग समझ रहे होंगे कि कहीं से भी घूम के आओ, कुछ भी खा लो, कैसा भी कुछ भी कर लो, लेकिन अपने घर आकर के एक कप चाय अपने हाथ का बना के पियो, जिसमें सुकून है कहीं पे भी नहीं। बारिश तो नहीं है लेकिन थोड़ा धूप भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा ही मौसम हो रखा है। चलिए अंदर चलते हैं। आज काम तो इतना ज्यादा है, भूख भी लगी है, खाना नहीं बनाया, कुछ काम नहीं की। सावन में ऐसा पहला दिन है आज जो अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ और पूजा नहीं की हूँ, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सो ही रही हूँ, कुछ नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मतलब बार बार आलस, बार बार हिम्मत कर रही हूँ कि सारा कुछ, सारा रूम वूम ठीक करूँ, जो भी बैग है सब उतारा हुआ कपड़ा सब है, सबको धोऊँ, सब सफाई करूँ, क्लीनिंग करूँ, बट कुछ भी नहीं मन कर रहा, हिम्मत ही नहीं कर रहा, लग रहा है बस आज नहीं होगा, बस लग रहा है 10 मिनट बात करूँगी, 10 मिनट बात करूँगी, ऐसे करते करते दोपहर भी ख़त्म होने वाला है, आज नहीं मन कर रहा है, तो सिर्फ सर भारी भारी लग रहा है। तो मैं काम तो करूँगी, सब कुछ करूँगी, नहा के पूजा भी करना है, सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, लेकिन अभी नहीं मन कर रहा है, मतलब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ। ऐसी मैगी है तो मैगी, बाबू को मैगी बना के दे दिया, दूध वूध दे दिया, तो बाबू को हो गया, मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। आज हस्बैंड को भी खाना बना के नहीं दिया मैंने, क्योंकि आज मैं होश में ही नहीं थी, जब भी आई थी लग रहा था कुछ दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा, बस सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना है ऐसा लग रहा था।
और एक और बात, मैं चाहे वीडियो बनाने में जान निकाल निकाल के वीडियो बनाऊं, कितना भी अच्छा बनाऊं, कहीं भी जाके बनाऊं, कैसे भी बनाऊं, बुरा बनाऊं, अच्छा बनाऊं, आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आता है? मतलब बैटरी भी लो है फ़ोन का। इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाती हूँ, इतना मेहनत से बनाती हूँ, आप लोगों को पसंद ही नहीं आता। मैं कैसा वीडियो बनाऊँ, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ। मैं व्लॉग करती हूँ ना, तो व्लॉग में तो बस जो होता है रियल वही दिखाऊंगी, मतलब जो लाइफ में आज जो चल रहा है वही दिखाऊंगी, फिर कल जो होगा वही दिखाऊंगी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी टेंशन कभी दुख, बहुत सब कुछ होता है। तो वो जो रियल होता है व्लॉग तो रियल ही दिखाते हैं, व्लॉग में तो कुछ प्रिटेंट एंड कुछ क्रिएट करके हमने मैं नहीं दिखा सकती। व्लॉग के लिए ऐसे होता है, बहुत लोग ऐसे क्रिएट करते, बट मेरा जो होगा कंटेंट वो रियल जो मेरे लाइफ में चल रहा है मैं वही दिखाऊंगी। मैं इतना अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को पसंद ही नहीं आता, ना ही एक कमेंट करना, ना ही लाइक्स। अच्छा जो लोग देखते हैं, एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं वो तो एक ऐसे ऐसे लाइक कर देने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, बस एक लाइक करना है, उससे क्या होगा ना, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के लिए कुछ भी लॉस नहीं है, मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट है। अब आजकल कोई नहीं चाहता किसी का प्रॉफिट हो, इसलिए कोई चलो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब 200 लोग भी वीडियो नहीं देखते हैं, 200 लोग भी नहीं है दुनिया में, 200 लोग भी मेरे इतने जितने सब्सक्राइबर हैं कम से कम वो लोग तो देखें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे जेन्यून ही हैं सब्सक्राइबर, तो वो तो देखे क्यों नहीं देखते हैं, शायद पसंद नहीं आता है, क्लिक ही नहीं करते हैं वीडियो। मैं कैसा थंबनेल बनाऊं, कैसा टाइटल डालूं, ऐसा क्या करूं जो आप लोगों को पसंद आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देवघर का आज भी एक वीडियो मैंने डाला है, और एक और पहले मैं डाल रखी थी जो मैं जा रही थी तब वो वीडियो, और आज जो मैंने अभी डाला है कुछ देर पहले वो वाला वीडियो था, जो पहला दिन में जो मैं जल ढा रही हूँ देवघर में, पहला दिन फर्स्ट डे, तो वो वाला वीडियो मैंने डाला है अभी जस्ट। तो प्लीज़ वीडियो देख लेना यार, क्या हो जाएगा देख लो, अच्छा स्किप करके देख लेना, पूरा मत देखना अगर बोर हो जाते, लेकिन प्लीज़ क्लिक एक बार जरूर करना ना, आपके एक क्लिक से मेरी लाइफ बन जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 3 मिनट से बात कर रही हूँ, 4 मिनट से इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब नेक्स्ट जो वीडियो होगा घर से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड जो भी होगा, अभी तक तो देवघर का ही सीन चल रहा था, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, जो लोग देख रहे हैं वो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, वीडियो में इतना सारा कुछ होता है यार, एक वीडियो में 7-8 तरीके का चीज़ तो होता ही है ना, कहीं जा रहे हैं खाना बना रहे हैं, खाना बनाने से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, जहाँ गए हैं वहाँ से रिलेटेड, कुछ घर से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, एक वीडियो में सारा कुछ होता है, नहाना खाना कपड़ा क्लीनिंग मेकअप ये वो रेसिपी, इतना तो होता ही हर वीडियो में, तो 7-8 तरीके का चीज़ होता है एक वीडियो में, उन सब में से रिलेटेड किसी से भी रिलेटेड एक कमेंट कर देना प्लीज़, अच्छा लगता है यार, एंड लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, एंड जो लोग सब्सक्राइब कर दिए उन लोगों को ढेर सारा थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार, जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने से, प्लीज़ मैं अच्छा वीडियो और अच्छा वीडियो बनाऊंगी। अभी कोई जब आगे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो वो हिम्मत भी नहीं आता है। वैसे तो मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं 3 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है, 2 अगस्त को 3 साल कंप्लीट हो चुका है, मैं अब 4th साल में हूँ यूट्यूब पर, बताओ 4 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, उसमें भी डेली व्लॉग डालती हूँ, डेली नहीं मतलब 1-2 दिन बीच करके डालती हूँ, वो भी बीच करके इसलिए डालती हूँ कि जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मैं देखती हूँ कम से कम 200 व्यूज़ तो आ जाए, तब तो सेकेंड वीडियो डालूँगी, इस चक्कर में 1-2 दिन गैप करती हूँ, नहीं तो मैं तो डेली वीडियो डाल सकती हूँ। सोचो 4 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, कुछ सक्सेस के नाम पे 0 धब्बा, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत डीट हूँ मैं, हार नहीं मानती, ना ही मैं डीमोटिवेट होती हूँ, ना ही मैं अपना काम किए जाती हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं ना किसी चीज़ में हार नहीं मानती, मैं अपना काम किए जाती हूँ, मैं डीमोटिवेट भी नहीं होती हूँ, तो मैं वीडियो तो मैं बनाती रहूँगी, 4 साल के 8 साल भी हो जाए, सक्सेस हो ना हो मैं तो करती रहूँगी अपना काम, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है कमेंट एक लाइक,
ज़रूर कीजिएगा, स्किप कर करके देख लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए। एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।